दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड प्रिंटर शेयरिंग को। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रिंटर को हम लोकली कैसे अटैच करके उसको यूजर बना सकते हैं, उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है और उसमें प्रिंटिंग की फैसिलिटी एक सिंगल मशीन के थ्रू कैसे लेनी है। अब सपोज करो कि आपको एक सिंगल प्रिंटर है, आपके एक मशीन पे अटैच है, आप उस पर्टिकुलर प्रिंटर को नेटवर्क में अवेलेबिलिटी दिलवानी है, मतलब नेटवर्क की अन्य जितनी मशीन्स हैं उसी सेम प्रिंटर से प्रिंटिंग की फैसिलिटी ले सके। वैसे पॉसिबिलिटी ये है कि जितनी भी मशीन्स हैं सब पे प्रिंटर अटैच्ड होना चाहिए, बट कंडीशन है कि इतने नंबर ऑफ प्रिंटर्स ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक हैवी ड्यूटी प्रिंटर रखा हुआ है और उस पर्टिकुलर प्रिंटर को नेटवर्क में किस तरीके से अवेलेबिलिटी करवानी है कि नेटवर्क की अन्य जितनी मशीन्स हैं वो सारी मशीन्स उसी सेम प्रिंटर से प्रिंटिंग की फैसिलिटी ले सके। इसके लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आज ये वीडियो डेडिकेटेड है। सबसे पहले मैं आपको कुछ वेरिफिकेशन करवा दूं। मैं अपनी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये मेरी एक्चुअल मशीन है और एक्चुअल मशीन के ऊपर एक मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे रनिंग है। तो इस समय मेरे पास दो अलग अलग मशीन्स हैं और ये नेटवर्क में प्रॉपरली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी एक्चुअल मशीन के नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड को एक्सप्लोर करता हूं। आप मेरे ncp.cpl मींस नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड में है और यहाँ पे मेरा वर्चुअल इथरनेट है जो मेरी वर्चुअल मशीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये मेरे वर्चुअल इथरनेट जो आईपी चल रहा है वो है 10.0.0.2। ठीक है, अब मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे चलता हूँ। वर्चुअल मशीन के नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करता हूँ और ये मेरे वर्चुअल मशीन का नेटवर्क इंटरफेस है। इस पे मेरा जो आईपी चल रहा है दैट इज ए 10.0.0.3 और ये दोनों मशीनें आपस में एक दूसरे को प्रॉपरली पिंग कर रही हैं। इसका भी वेरिफिकेशन आप यहां से कर सकते हैं। ये जो मेरी वर्चुअल मशीन है वो एक्चुअल मशीन को पिंग कर रही है और मेरी जो एक्चुअल मशीन है वो मेरी वर्चुअल मशीन को प्रॉपरली पिंग कर रही है। तो ये ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रीजन ये है कि नेटवर्क में कनेक्टिविटी होना बहुत कंपलसरी है। जब तक नेटवर्क में कनेक्टिविटी नहीं है तब तक आप नेटवर्क में किसी भी प्रकार की एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये दोनों दोनों ही मशीनें मेरी एक दूसरे से प्रॉपरली वेल कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को डेटा शेयरिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेरे इस एक्चुअल मशीन पर ऑलरेडी प्रिंटर अटैच्ड भी है और इंस्टॉल्ड ड्राइवर भी इंस्टॉल्ड है और रनिंग भी है। इसका वेरिफिकेशन कैसे करना है, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, हार्डवेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे जाएंगे। आपको यहाँ पे कैनन LBP2900 नाम का प्रिंटर नजर आ रहा है जो कि ऑलरेडी अटैच्ड है, रनिंग है और इंस्टॉल्ड है। साथ के साथ मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे भी चलता हूँ, देखता हूँ क्या यहाँ पे कोई प्रिंटर अटैच्ड है। तो कंट्रोल पैनल पे जाना है, हार्डवेयर सेक्शन में, डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। ये सारे ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट आते हैं और इनका कोई मतलब और मायने नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रिंटर नहीं है जबकि मेरी एक्चुअल मशीन पे प्रिंटर है। अब मुझे अपनी एक्चुअल मशीन के प्रिंटर को अपनी इस वर्चुअल मशीन पे अवेलेबल करवाना है। इसके लिए हमें क्या और कैसे करना होगा इसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आपको ये प्रिंटर शेयर करना है, किसी भी पर्टिकुलर मशीन से प्रिंटर को शेयर करना है। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल पे जाना होगा, यहाँ पे कंट्रोल पैनल एक्सप्लोर करेंगे, हार्डवेयर ऑप्शन में जाएंगे। हार्डवेयर ऑप्शन में जाने के बाद आपके यहाँ डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स पे जाएंगे। डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे प्रिंटर को राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है और यहाँ पे आपको शेयरिंग टैब पे जाना है। शेयरिंग टैब पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर दिस प्रिंटर पे आपको चिक करना है। जैसे शेयर दिस प्रिंटर पे चिक करेंगे बाय डिफॉल्ट नेम आपका अपियर हो जाएगा, जो भी प्रिंटर का नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, आपको इसके लिए हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। शेयर दिस प्रिंटर पे चिक करके आप यहाँ अप्लाई ओके करके बाहर आ जाएंगे। अब आपका ये पर्टिकुलर प्रिंटर शेयर हो चुका है। कैसे करना है, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज पे जाना है, शेयरिंग ऑप्शन पे जाना है, शेयर दिस को चिक करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है, एग्जिट हो जाना है। आपका अब ये प्रिंटर शेयर हो चुका है। नेटवर्क की कोई भी मशीन अब इस पर्टिकुलर प्रिंटर को एक्सेस कर सकती है, बट नेटवर्क की किसी भी मशीन पे उस पर्टिकुलर प्रिंटर को एक्सेस कैसे करना है ये भी एक विषय है। तो चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन पे। और वर्चुअल मशीन पे यदि आप यहाँ पे अपने उस पर्टिकुलर प्रिंटर को एक्सेस करने वाले हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल के बाद आपको यहाँ पे हार्डवेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। हार्डवेयर ऑप्शन के बाद आपको यहाँ डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स पे जाना है।
डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड अ डिवाइस ऐड अ प्रिंटर, तो यहाँ पे ऐड अ प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रिंटर जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर देगा। यदि इस पर्टिकुलर सर्चिंग की लिस्ट में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है द प्रिंटर दैट आई वॉन्ट इज नॉट लिस्टेड। यदि आपका प्रिंटर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो इस पर्टिकुलर दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये प्रिंटर का एक नया विजार्ड ओपन हो जाएगा। आप यहां से मैनुअली अपने प्रिंटर को जोड़ सकते हैं। तो यहां पे ये जो सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है कि शेयर्ड प्रिंटर बाय नेम, मतलब यहां पे अपने प्रिंटर को एक्सेस करना है वो प्रिंटर जो नेटवर्क में कहीं किसी दूसरी मशीन पे जुड़ा है और वो प्रॉपरली शेयर्ड है। तो यहां पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे आपको पाथ देना है /, अपने उस पर्टिकुलर मशीन का आईपी एड्रेस जो जिस मशीन पे प्रिंटर अटैच्ड है और वहां पे वो ऑलरेडी शेयर्ड भी है, उस पर्टिकुलर मशीन का आईपी एड्रेस आपको लेना है /, करके वापस आपको दोबारा स्लैश लगाना है। जैसे ही स्लैश लगाएंगे जितने भी प्रिंटर होंगे ऑलरेडी शेयर्ड होंगे वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएंगे और यहाँ पे आपका जो प्रिंटर है वो है कैनन LVP 2900। आपको अपना प्रिंटर एक्सेस कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये ड्राइवर एक्सेस कर लेगा। यहाँ पे इंस्टॉल ड्राइवर पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो पर्टिकुलर मशीन ड्राइवर एक्सेस कर लेगी। ड्राइवर एक्सेस करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहां देख सकते हैं आपकी ये मशीन जो है वो प्रिंटर एक्सेस कर चुकी है। यहां पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट आपका कैनन LVP 2900 ऑन 10.0.0.2, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर प्रिंटर इस पर्टिकुलर आईपी वाले मशीन पे जुड़ा हुआ है नेटवर्क में कहीं पे भी, और वहां से प्रिंटिंग की फैसिलिटी दी जाएगी। तो इस तरीके से आप नेटवर्क में प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और नेटवर्क में किसी भी पर्टिकुलर मशीन से उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पे आपका प्रिंटर अब नेटवर्क मशीन पे जुड़ गया है। जो पहले इस मशीन पे प्रिंटिंग की फैसिलिटी नहीं थी अब वो अवेलेबल हो चुकी है। ये मशीन नेटवर्क के माध्यम से अब किसी भी पर्टिकुलर प्रिंट को इजिली निकाल सकता है। इसके लिए हमें एक डेमो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वर्डपैड पे जाएंगे और यहां पे एक प्रिंट निकालेंगे, एक डेमो प्रिंट निकालेंगे वेलकम के नाम का, और यहां पे मैंने एक डेमो पेज बना लिया है और यहां इसका मैं प्रिंट देता हूं। प्रिंट जैसे ही प्रिंटर की प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर होगी आप यहां देखें कि अब ये प्रिंट कैसे निकलेगा, कैनन LVP 2900 ऑन 10.0.0.2। यहां से जब आप प्रिंट देंगे तो ये प्रिंट जो है नेटवर्क में मूव करता हुआ सीधे 10.0.0.2 पे पहुंचेगा और 10.0.0.2 वाली मशीन इस पर्टिकुलर प्रिंट की कमांड को प्रोसीड कर देगी। तो इस तरीके से नेटवर्क के माध्यम से माय डियर फ्रेंड्स आप प्रिंट निकाल सकते हैं। आप यहां सुन रहे होंगे प्रिंटर का नॉइज भी आ रहा है, मतलब है कि प्रिंट निकल चुका है। और इस तरीके से नेटवर्क में किसी भी पर्टिकुलर प्रिंटर को हम शेयर करके नेटवर्क में एक्सेसिबिलिटी कैसे ले सकते हैं। आज का ये हमारा वीडियो डेडिकेटेड था माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा कि कैसे एक लोकल प्रिंटर को नेटवर्क में शेयर करा के उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे लेनी है। सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।